हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी के लिए टू टाइप्स ऑफ मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें होगी एक है शुगर फ्री मोदक और दूसरी है बेसन की मोदक। दोनों ही मोदक 10 मिनट में बन जाएगी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बना रही हूँ शुगर फ्री मोदक, तो उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे, और घी जब गर्म हो जाए तो उसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश की वजह से जो मोदक बनेगी वो मीठा भी होगी, और जो किशमिश है उससे बाइंडिंग भी आएगी। तो सारे चीज़ों को 2 मिनट तक भून लेंगे, बिल्कुल लो हीट पे। 2 मिनट तक भूनने के बाद आप 1/4 कप नारियल का बुरादा डाल देंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद सारी चीज़ों को 1 मिनट तक फूल देंगे, बिल्कुल लो हीट पे। फिर उसके बाद उसको गैस को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करके सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाए तो एक मिक्सर जार ले लेंगे, और मिक्सर जार में सारी चीज़ों को डाल देंगे। अब मैंने 1/2 कप खजूर लिया है, जिसकी बीज मैंने निकाल के रखा है। तो मार्केट में बिना बीज वाली भी खजूर मिलती है, तो आप वो भी ले सकते हो। अब मैंने 5 से 6 इलायची लिया है, जिसकी छिलका मैंने उतार के मिक्सर जार में डाल दिया है। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इस टाइम वो भी डाल सकते हो। सारे चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोदक मोल लिया है, जिसके मैंने घी लगा लिया है, ताकि जो मोदक है वो आसानी से बाहर निकल के आ जाए। आज जो मोदक बना रही हूँ तो मोदक मोल यूज़ करके मैं बना रही हूँ। अब जो मैंने मिक्सर पीस लिया था, तो उसको एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। आप मोदक मोल में मिक्सर को दोनों तरफ लगा लेंगे अच्छी तरह से दबा दबा के। तो आपको अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्सर को डालनी है, तभी मोदक की बहुत ही अच्छी शेप आएगी। अब नीचे की तरफ जो गैप है उसमें भी मिक्सर डाल देंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरह से दबा लेंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से मोदक मोल को खोल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से मोदक बाहर आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। तो पहला मोदक तैयार है, और ऐसे ही सारे मोदक को मैं तैयार कर लूँगी। जो लोग मीठा नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये शुगर फ्री मोदक बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें खजूर की वजह से आपको कोई और एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो तैयार है शुगर फ्री मोदक। आप दूसरी रेसिपी के लिए मैंने एक मिक्सर जार में इलायची लिया है, जिसके छिलका मैंने उतार के रखा है। अब मैंने नारियल का बुरादा डाला है, और घर की मलाई डाल दिया है। तो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन में मैंने मेंशन किया हुआ है। आप मिक्सर जार में सारे चीज़ों को पीस लेंगे। अब मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब मैं 1 कप बेसन डाल दूंगी, और बेसन डाल के बिल्कुल लो हीट पे कंटिन्यूस हिलाते हुए बेसन को भून लेंगे, जब तक बेसन में से बहुत ही अच्छी एक खुशबू ना आने लगे तब तक। अब मैंने 1 टीस्पून घी और डाल दिया है, और डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे, और उसका जो दाना दाना है तो उसको भी मैश करते जाएंगे। दोबारा 1 टीस्पून घी और डाल देंगे, और डाल के भून लेंगे। जब बेसन भून जाए, मिक्सर जार में जो नारियल का बुरादा और मलाई मैंने पीस लिया था तो वो डाल लेंगे, और डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, एक ही बार में सारे दूध को मैं नहीं डालूंगी। तो पहले मैंने 1/2 कप दूध डाल दिया है, और डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर दोबारा 1/2 कप दूध और डाल लेंगे, और डाल के दोबारा मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो बेसन है एक जगह में इकट्ठा हो जाए, तो गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करके यहाँ मैंने येलो कलर लिया है, तो 2-3 ड्रॉप डाल लेंगे। आप येलो कलर की जगह केसर और दूध मिक्स करके भी डाल सकते हो, तो ये ऑप्शनल है। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। हाथ से सूख के देख लेंगे। जब मिक्सर हल्का ठंडा हो जाए
तो पाउडर शुगर या बूरा या देसी खान कुछ भी डाल सकते हो। मैं कोई भी मिठाई रेसिपी में देसी खान ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देसी खान डाल दिया है, आप डाल के मिक्स कर लेंगे और दोबारा 1 टीस्पून की और डाल लेंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। आप मोदक मोल में घी लगा लेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्ट किया हुआ पिस्ता सूट डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। फिर उसके बाद जो मिक्सर है तो वो दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। मोदक को सजाने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या ड्राई रोज पेटल भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ मोदक मैंने पिस्ता सूट से सजाया है और कुछ मोदक में मैंने ड्राई रोज पेटल लगाया है। तो बहुत ही आराम से मोदक को निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो मोदक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनती है। तो आप लोग ज़रूर ये मोदक बना के देखिएगा। तो ऐसे ही सारे मोदक को मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा और कितना बढ़िया मोदक बना है। और बिना बोल से कैसे मोदक बनती है तो उसकी रेसिपी भी मैंने पिछले साल डाली हुई है, तो आप लोग वो रेसिपी भी देख सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।